एक व्यक्ति रात भर सपने देखते रहा। सपने में वह देख रहा था एक चूहा उसके मुंह से पेट में जा रहा है। जब वो ये सपना देख रहा था तभी किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। एकदम से नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि चूहा उसके पेट में चला गया है और उसने चूहे की पूंछ को अंदर जाते देखा है। कहने का मतलब वो नींद से उठा और चूहा उसके अंदर घुस गया। उसने अपने घर वालों से उठते ही कहा, मेरे पेट में कोई चूहा घुस गया, मैंने उसे घुसते देखा है। घर वालों ने कहा, नहीं तुमने कोई सपना देखा होगा, चूहे कोई मुंह में थोड़ी ना घुसते हैं। लेकिन उस आदमी को विश्वास हो गया और कहता, चूहा मेरे पेट में है, अब मेरे हाथों में आ गया, अब मेरी कमर की ओर चला गया। 2 दिन में वो व्यक्ति कमजोर पड़ने लगा। घर वाले मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी, एक्सरे सब कुछ किया लेकिन अंदर कोई चूहा नहीं मिला। लेकिन वे व्यक्ति बोला, मेरे अंदर सच में कोई चूहा है, तुम्हारी ये सारी मशीनें गलत हैं। देखते ही देखते महीने बीत गए और वह व्यक्ति मरने की अवस्था में आ गया। घर वालों को कुछ नहीं सूझा तो उसे एक बाबा के पास लेकर गए। व्यक्ति ने बाबा के पास जाते ही कहा, बाबा मेरे अंदर चूहा घुस गया है। बाबा ने कहा, हाँ मैं अपनी जादुई शक्ति से देख सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में चूहा चल रहा है। व्यक्ति खुश हुआ और बोला, बाबा सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ पाए, घर वाले और डॉक्टर किसी काम के नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बाबा ने कहा, तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ, कल सुबह टॉयलेट के रास्ते से तुम्हारा चूहा बाहर निकल जाएगा। अगली सुबह जब वो टॉयलेट गया तो बाबा ने दरवाजे से चूहा टॉयलेट में छोड़ दिया। वो चूहा देख व्यक्ति खुश हो गया और बोला, आखिर बाबा ने मुझे ठीक कर ही दिया। वो खुशी खुशी बाहर आया और बोला, कहाँ है वो सारे गधे डॉक्टर जो मुझे झूठा कहते थे, लो अभी चूहा मेरे पेट से निकल कर भागा, सबने देखा ना। इसके तुरंत बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया। इसमें जड़ी बूटी या बाबा ने कोई काम नहीं किया। बाबा सिर्फ इतना जानते थे कि झूठी बीमारी का सिर्फ झूठा इलाज ही हो सकता है। इसी तरह जो कहते हैं हमें नजर लग गई, भूत दिखाई पड़ते हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो बाबा उनका झूठा इलाज करके उस भूत या नजर को हटा देते हैं, क्योंकि झूठी बीमारी का सिर्फ झूठा इलाज ही हो सकता है। इसमें किसी बाबा की गलती नहीं है। आपका सब कॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि यदि वो कोई बात को मान ले तो वैसी स्थिति आपके जीवन में अभी इसी वक्त पैदा करना शुरू कर देगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता, बीमार हूँ, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड इस बात को ग्रहण कर लेगा। अगर आप सोचेंगे, मेरी जिंदगी हर रोज बेहतर हो रही है, मैं बुद्धिमान हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, अमीर हो रहा हूँ, सुंदर हो रहा हूँ, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुकूल आपके जीवन की परिस्थिति होगी। भगवान महावीर ने कहा था, आप जैसा बार बार सोचते हैं एक दिन आप वही हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ के विचार करें, अपने आप से कोई भी नेगेटिव बात ना कहें, जिसे आपका सब कॉन्शियस माइंड ग्रहण कर आपके जीवन की परिस्थिति को उसी के अनुकूल ढाल दे।